कुछ मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं। मौसम जनाब फुल अपने इस वक्त मैं तो कहूँगी कि जोबन पर है और करवट ले चुका है, बदलना शुरू हो चुका है। तो आज दिन भर कैसा मौसम रिकॉर्ड किया जाएगा, जाहिद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। जाहिद साहब बताइएगा आज के मौसम के हवाले से क्या कहा जा रहा है, किस तरह का मौसम रहने वाला है आज? जी मुनीबा, बिल्कुल यक सर्द मौसम तो अब तकरीबन चलता हुआ है और कहा यह जा सकता है कि इस वक्त सर्दी के आफ्टर शॉक्स जो हैं वो महसूस किए जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, हवा मुसलसल चल रही है जिसकी वजह से ठंडक का काफ़ी एहसास हो रहा है और हवा काफ़ी ठंडी है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा और कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा, जो देखा जा सकता है कि ये गुज़श्ता दिनों हम बताते रहे हैं कि 1 या 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत गिर जाता था और यक ठंडा मौसम हो जाता था। अब वो सूरत हाल गुजरती हुई नज़र आ रही है। आसमान भी काफ़ी हद तक साफ शफाफ है, इस वक्त सूरज चमक रहा है बिल्कुल, बादल आज बिल्कुल मौजूद नहीं है और बारिश का भी आज इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा है। लेकिन कल कहा जा रहा है कि दोबारा हल्के से बादल आएंगे, लेकिन उनके भी ज़्यादा बरसने का इम्कान नहीं है। हवा चलने की जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है वो ये हो रहा है कि फ़िज़ा बिल्कुल साफ़ हो रही है और फ़िज़ाई आलूदगी इंडेक्स जो है वो इंतहाई बेहतरीन सतह पर इस वक्त देखा जा रहा है। लाहौर शहर का आज फ़िज़ाई आलूदगी इंडेक्स जो है वो सिर्फ 160 है, जो कि इंतहाई बेहतर ख्याल किया जाता है, क्योंकि तिब्बी माहरीन भी कहते हैं कि 150 के करीब जो फ़िज़ा होती है, इंडेक्स होता है, वो सेहत के लिए मुज़र सेहत नहीं होता, इससे ऊपर होता है। लेकिन अभी तक बाज़ इलाके ऐसे हैं वहाँ पर किसी ना किसी वजह से फ़िज़ाई आलूदगी ज़्यादा देखी जा रही है, जिसमें हरबंसपुरा के इलाके में 208 और गजुमता के इलाके में 205 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है, जो कि ज़्यादा है। लेकिन इसके साथ साथ अपर माल 175 और शाहदरा 171 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया, और अपर माल ऐसी जगह है जहाँ पर हम खुद बताते रहे हैं कि यहाँ पर 600 तक भी एयर क्वालिटी इंडेक्स गया था शदीद सर्दी के मौसम में, जिस वक्त हवा बिल्कुल नहीं चलती थी, ठंड होती थी। तो ये एक मुस्बत तब्दीली ये देखी जा रही है। दूसरी मुस्बत तब्दीली ये है कि सूरज अब अपनी थोड़ी सी चमक दिखा रहा है, जिससे जो हवा में हर वक्त नमी का तनासब बहुत ज़्यादा रहता था वो अब कम होने लगा है, फिज़ा काफ़ी खुशगवार हो रही है। लेकिन हवा चल रही है, इससे थोड़ा सा बचना ज़रूरी है, और यही हवा वो है जो कि जिस्म को इस वक्त नुकसान पहुंचाती है, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए ये हवा काफ़ी नुकसानदेह होती है। लेकिन इसके बावजूद मजमूई तौर पर मौसम काफ़ी साफ शफाफ और बेहतरीन और नीम गर्म सर्द किस्म का मौसम इस वक्त देखा जा रहा है। जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा दर्जा हरारत में थोड़ा सा इजाफा होगा, अभी थोड़ी देर आप सूरज में रोशनी में खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन बिल्कुल दोपहर के वक्त थोड़ा सा उससे भी अवॉइड करने को दिल करता है। तो ये ऐसी सूरत हाल है जिसमें इस वक्त मिला जुला सा एक रुझान है, जिसमें साए में जाएं तो ठंड सी लगती है, सूरज के सामने आए तो थोड़ी सी गर्मी लगती है। तो इसी का नाम ज़िंदगी है और इसी के साथ ये आज का दिन भी गुजरना है और लगता है आने वाले दिन भी अब इसी तरह चलेंगे, क्योंकि दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा होता जाएगा। तहम 1-2 रोज़ बाद बादलों की एंट्री है, जिससे हल्की बारिश कहीं कहीं हो सकती है। ठीक है जी, 1-2 दिन में बताया जा रहा है कि जनाब बादलों की एंट्री हो सकती है, जिसकी वजह से हल्की बारिश होने के चांसेस तो जाहिर किए जा रहे हैं, लेकिन वो 1-2 दिन में पता चलेगा। लेकिन आज इसी तरह जनाब सूरज की ही चलने वाली है और जो मौसम है वो खुश्क और नीम सर्द ही रिकॉर्ड किया जाएगा आज भी। जाहिद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद है, जाहिद साहब बेहद शुक्रिया।